हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं निकल चुका हूँ साइंस सिटी की तरफ। आज की इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि साइंस सिटी में क्या क्या है, टाइमिंग क्या है और आप कैसे जा सकते हैं। तो ये हम पहुँच गए साइंस सिटी के बाहर। तो ये देखिए साइंस सिटी के बाहर का व्यू है, ये रोड का व्यू है। यहाँ से आप जा सकते हैं विद्यासागर सेतु, अलीपुर जू है, पार्क सर्कस भी जा सकते हैं, उल्टा डंगा भी जा सकते हैं, सॉल्ट लेक और न्यू टाउन की तरफ भी जा सकते हैं। ये बाहर का व्यू है, साइंस सिटी के बाहर का व्यू है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से जो दिख रहा है। तो हम पहुँच चुके हैं साइंस सिटी के बाहर। अभी हमने बाहर से ही अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है ताकि दिख सके टोटल क्या है नहीं है यहाँ पे। तो हम ये अब साइंस सिटी के गेट तक पहुँचने वाले हैं। ये बाहर जो भी छोटे छोटे शॉप है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर वो छोटा छोटा चीज़ मिलता है जो जैसे घूमने के लिए आए हैं उनको खाने पीने के लिए। ये हम साइंस सिटी के अंदर पहुँच चुके हैं। ये अंदर का व्यू है साइंस सिटी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और अब बात करते हैं साइंस सिटी के टिकट के बारे में और साइंस सिटी कब ओपन हुआ था, कब से ये चल रहा है। तो साइंस सिटी 1 जुलाई 1997 से चल रहा है। और साइंस सिटी की टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टाइमिंग है। और यहाँ पहुँचने की बात करें तो आप अगर सियालदह से आ रहे हैं तो T10 बस पकड़िए और S186, KB21, K4 एंड 202, ये बस नंबर है सियालदह रेलवे स्टेशन से। और विधाननगर से आप पकड़ सकते हैं S9, S14, AC49 एंड KB21। और अब बात करते हैं एंट्री फ़ी की। तो जो इसका एंट्री है, नॉर्मल एंट्री फ़ी इसका 65 है और साइंस सिटी टाइम मशीन का फीस है 40 और साइंस सिटी डार्क राइड का है 45 और साइंस सिटी पनोरमा शो का है 60 एंड साइंस सिटी रोपवे का है 60, साइंस सिटी रोड ट्रिप का है 25 और साइंस सिटी 3D का है, 3D शो का 30 एंड साइंस सिटी थिएटर का है 3D 100 एंड साइंस सिटी स्फीयर का है 40। और बात करें कॉम्बो टिकट का, तो आप अगर 195 का कॉम्बो लेते हैं तो उसमें आपको मिलेगा एंट्री, पनोरमा शो, स्पेस थिएटर 3D एंड अगर 300 का लेते हैं आप तो 300 में टोटल रहेगा, आपका एंट्री भी रहेगा, पनोरमा शो भी रहेगा, स्पेस 3D, स्पेस थिएटर 3D और रहेगा, रोपवे भी रहेगा, पैनोरमा भी रहेगा, हर चीज़ आपको टोटल रहेगा। और अगर ओनली 85 का लेते हैं तो उसमें दो रहेगा, एंट्री, पैनोरमा शो और डार्क शो। और ये हम अंदर पहुंच चुके हैं, ये अंदर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये साइंस सिटी लिखा हुआ है, चारों तरफ से फूल लगाया गया है। और ये एंट्री से जस्ट ये गेट है, एंट्री से जस्ट जो भी है वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ताकि आपको भी पता चल सके। और ये देखिए थैंक यू लिखा हुआ है, स्कैन करके आप साइंस सिटी के बारे में पढ़ सकते हैं क्या है नहीं है। तो ये देखिए हम धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। अंदर ये हर तरह का शो चलता है, जैसे स्पेस का शो चलता है, हमने जो बताया टिकट का दाम, टाइम मशीन में भी आपको ले जाया जाएगा, डार्क राइड भी है यहाँ पे, पनोरमा शो भी है और रोपवे है। आप साइंस सिटी के मेन गेट से लेकर लास्ट गेट तक आप रोपवे से व्यू ये जा सकते हैं। उसमें ये छोटा छोटा गाड़ियाँ भी चलता है जिसको रोड ट्रिप बोलते हैं, 25 रुपये में आपको पूरा साइंस सिटी घुमाएगा, 3D शो में दिखाएगा कि 3D शो में 3D व्यू रहेगा उसका जो भी उसमें दिखाएगा आपको। और ये देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपको आगे का व्यू दिखा रहे हैं कैसा है क्या है इसमें। तो ये देखिए धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं और जैसा कि हमारे इस ब्लॉग में आज साइंस सिटी के बारे में बताएंगे क्या है नहीं है और क्या क्या है यहाँ पे। तो ये देखिए हम पहुँच गए और भी अंदर आपको दिखाएंगे। यहाँ एक पार्क है छोटा सा जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आप अपने फैमिली के भी साथ आ सकते हैं, परिवार के भी साथ आ सकते हैं। मतलब ये देखिए आगे सब झूला टाइप का लगाया गया है जो पार्क में रहता है बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ पे एक कॉफ़ी मशीन है, हम यहाँ कॉफ़ी पियेंगे थोड़ी देर में।
ये देखिए एक तो बंद है, एक खुला हुआ है, सामने वाला खुला हुआ है। तो ये देखिए आगे का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत से लोग आए हुए हैं। चूँकि आज संडे है और संडे को भी मेरा छुट्टी रहता है, इसलिए मैं भी संडे को ही पहुंच गया हूं। ये देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत ही प्यारा घंटा भी है यहाँ पर लगाया गया है। और ये देखिए पार्क में बच्चे घूम रहे हैं चारों तरफ, कितना अच्छा इसको डेकोरेट किया गया है। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है तो सभी लोग आए हुए हैं। अभी थोड़ा मॉर्निंग का समय है इसलिए भीड़ कम है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ भी होगी। ये देखिए बच्चा रस्सी पे चढ़ के खेल रहा है। और ये देखिए रोप वे एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, तो इस तरह से देखिए हाँ रोप वे जा रहा है। और ये अब और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे, वो सामने वर्ल्ड क्लॉक है जिसमें पूरा वर्ल्ड का टाइम शो हो रहा है। हमको तो लग रहा है कि वॉच चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा है क्योंकि पूरा वर्ल्ड का टाइमिंग है इसमें। यह है आज़ादी का अमृत महोत्सव, अभी 75वां आया था। तो ये देखिए, और ये जो आपको सामने दिख रहा है, आप यहाँ से बोलेंगे तो दूसरे तरफ एक है उसमें सेम सुनाई देता है। ये रिफ्लेक्टर है, वो सामने भी लगा हुआ है। ये वर्ल्ड क्लॉक है, ये देखिए देखिए, ये तो चल नहीं रहा है फिर भी इसको लगाया गया है। एक न्यूयॉर्क का है, लंदन का है, और यहाँ पर चारों टाइम है, GMT, PST, CST और MST है। ये देखिए ये देखिए, अभी हम आ गए अंदर शो के अंदर। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं शो के, शो स्पेस ओडिशे मेरिटाइम सेंटर है, डायनामेशन मोशन हॉल है। यहाँ पे आपको हर तरह का शो दिखाया जाता है, जैसे कि ये हम आपको दिखा रहे हैं अंदर का व्यू। ये देखिए स्पेस थिएटर है, प्री रिफ्लेक्शन है, टाइम मशीन, 3D, सोलार सिस्टम, इंडियन स्पेस, स्पेस साइंस, इंडियन फॉर्म स्पेस। ये देखिए अंदर का व्यू है, बहुत से लोग आए हुए हैं आज, और ये बहुत अच्छा व्यू है अंदर का। ये अंदर थिएटर है, क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, बस आपको बाहर से दिखा रहे हैं। और ये डायनामोशन है, देखिए अंदर बहुत से लोग हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हैं। और ये देखिए थिएटर, स्पेस थिएटर है ये। ये देखिए ये रखा हुआ है, जहाज है ये, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा तरीके से इसको रखा गया है। देखिए हम पास से आपको दिखाते हैं, ये देखिए अभी हम थोड़ा सा और आगे निकल रहे हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं। और ये हम बहुत ही आगे आगे हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे इस ब्लॉग में, ताकि आपको आप जब भी आए तो आप मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से आसानी से घूम सके, ताकि सब कुछ आपको पता रहे पहले से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आने में। एक बार हमारे ब्लॉग को देखिए, अंदर बाहर का भी है। कितना अच्छा व्यू है इसका, दोनों बिल्डिंग का। ये तो साइंस सिटी से बाहर का बिल्डिंग है, बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को कनेक्ट किया था। ये आपको दिख रहा है साइंस सिटी एक्सप्लोरेशन, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का। पार्क यहाँ का बहुत खूबसूरत है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। ये देखिए पार्क का व्यू बहुत अच्छा है, पार्क में बहुत सारे ये झूला झूल रहे हैं, बड़े भैया एक हैं। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, कि हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए, ताकि आप भी देख सकें, बहुत ही अच्छा व्यू है। ये देखिए गार्डनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है यहाँ पे। तो ये देखिए फूल बहुत अच्छा तरीके से लगाया गया है, सजा कर रखा गया है। ये देखिए
धीरे धीरे हम और आगे बढ़ रहे हैं, आपको और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे है दिखाएंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ये लोग झूला खेल रहे हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो और भी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अभी दिखाएंगे आपको पार्क में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये मूर्ति स्थापित किया गया है, और उनके साथ साथ भारत की जो 6 मिसाइल है उसको भी दिखाया गया है, जो भारत की प्रमुख मिसाइल है, जैसे कि ब्रह्मोस्त्र, पृथ्वी, मिशन शक्ति, आकाश और अस्त्र और नाग के आदमकद मॉडल का अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये देखिए ये अब्दुल कलाम का जो बनाया गया है सब यहाँ पे लगाया गया है, ताकि अपने भारत के नागरिक जी या जो भी यहाँ पे घूमने आए, अपने भारत को हो या आउट ऑफ कंट्री के हो, वो भी ये देख सके कि क्या क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बनाया गया था और यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये देखिए पानी का फुहारा चल रहा है बहुत ही अच्छा, और ये बहुत ही अच्छा गार्डनिंग किया गया है यहाँ पे, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि अभी हमारा ये समय हो गया है यहाँ से चलने का। ये आप देखिए नल से कंटिन्यूस पानी गिर रहा है, और आप इसको थोड़ा समझिए कैसे पानी गिर रहा है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो रॉड भी लगा हुआ है आउटसाइड से लगा हुआ है, ये देखिए, और ये हमने चारों तरफ से इसका वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, और ये देखिए अभी जस्ट आपको ऊपर दिखाएंगे। तो ये साइंस सिटी है, तो साइंस का यूज किया गया है इसको, ताकि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं वो देखें और थोड़ा अपना ये दिमाग चलाएं कि कैसे आ रहा है। अब ये हम आ गए जस्ट बाहर, अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमारा समय हो गया है, और आज के ब्लॉग में साइंस सिटी के बारे में हमने थोड़ा सा आपके साथ जानकारी शेयर किया, जैसे टाइमिंग क्या है, कब आ सकते हैं, क्या क्या एंट्री फीस है, अगर सियालदह से आते हैं तो कैसे आते हैं, विधाननगर से आते हैं तो कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। ये रोपवे का यहीं पे एंट्री होता है रोपवे का। तो इस ब्लॉग में इतना ही, और आगे और भी हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो हमारा अब समय हो गया, हम यहाँ से निकलेंगे, ये जस्ट हम निकल ही रहे हैं यहाँ से। तो इस ब्लॉग में इतना ही आज हमने दिखाया, ये हम जस्ट गेट के पास आ गए हैं और जस्ट निकलने वाले हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।